आज मुख्य रूप से दो तीन इशू हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि एक आप लोगों का भी है कि आपके ऊपर FIR हुई है, और ये जिनके ऊपर FIR हुई है, वैसे पहले एक बार मैं बताता हूँ, जो सिंघम हैं अपने, उनकी गिरफ्तारी, आपके ऊपर FIR, और अमित शाह जी करनाल आ रहे हैं, तो CID वाला होगा, एक आधा यहाँ पर आ रहा होगा ना, आ रहे हैं, बैठे हैं, तो उनको कहो थोड़ा आप अच्छी तरह सुनकर CM साहब तक पहुँचाए, प्रशासन तक बात पहुँचाए। ये अपने पत्रकार जो मेरे को पता चला, और बाकी सुजाता जी हैं, विजेंदर, नरेंद्र जांगड़ा साहब, रचना तलवार करनाल से, ये बख्शीश सिंह जी, अमित स्वामी, साक्षी, रवि नागर, रविंदर भारती, और बीस अन्य में मेरे ख्याल में आप सारे आए जाओगे, और नहीं आओ तो हमने भी साथ में ले लिया, हम तो क्या है प्रशासन तय है कि एक 20 अन्य जो लिख रखे, एक मेरा नाम भी लिख लियो इसमें साथ में। आप लोगों के ऊपर FIR है, आप लोगों ने रोड जाम कराया, आप अपना काम कर रहे हो तो इसलिए आपके ऊपर, तो आप लोगों को सांत्वना तो क्या, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों का काम क्रांतिकारी काम है, तो ये तो झेलना पड़ेगा। लेकिन ये इतनी बेशरम सरकार है, आप ये मत मानना कि यहाँ पे ये प्रशासन वालों ने आपके ऊपर FIR कर रखी है, ये आप लोगों की आवाज को दबाने के लिए, आप लोग जिसकी आवाज उठाते हो उसकी आवाज को दबाने के लिए, ये जो धड़ाधड़ FIR पत्रकारों के ऊपर हो रही है, तो पत्रकार तो अपना काम करेगा, अब पत्रकार ने भी काम नहीं करने दोगे, गृहमंत्री अपने गड़बड़ सिंह जी, अपने गब्बर सिंह जी, मुख्यमंत्री जी, पत्रकारों ने तो काम कर लेने दो, इन्हें क्यों रोको हो। तो एक तो ये मामला, और आपसे ही रिलेटेड मामला मैं लेके आया हूं, ये जो गिरफ्तारी हुई है उससे भी है, और आगे जब आगे आप लोगों की होनी है तो उसके लिए भी है, बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बता देना किस दिन गिरफ्तारी देनी है, दलबल के साथ देना होंगे, कोई इशू नहीं। जो बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर ये है, आप सोचोगे ये इतने कागज कितने ठाक लाया हूं मैं, ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके काम आने की चीजें हैं, और जो सुन रहे हैं उनके भी काम आने की चीजें हैं, जो वकील साहब हैं उनके भी, जो पत्रकार हैं उनके भी, और एक आम नागरिक है उसके भी काम आने की चीज है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, या इन जैसी हजारों गिरफ्तारियां और होती हैं, मेरी भी इसी उसमें गिरफ्तारी हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है अरनेश कुमार का, और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अंदर साफ साफ यह लिखा हुआ है, अगर किसी को भी आप अरेस्ट करोगे 15 दिन के लिए नोटिस देना पड़ेगा, बिना नोटिस दिए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी को भी, 7 साल से नीचे की सजा की धाराएं अगर आपके ऊपर लगी हैं तो, समझना मेरी बात, 7 साल से नीचे की अगर धाराएं किसी के ऊपर हैं तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती बिना नोटिस दिए, और अगर वो करती है तो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है, और इस केस में भी इसी तरह हुआ है, हमारे केस में भी, और इसके अलावा ये पूरे लोगों की बात है, ये कि इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का है जी, ये जो आदेश है मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। फिर ये जो सत्येंद्र कुमार अंतिल का जो मामला चल रहा है, इसमें इसी मामले में सेक्शन 41A, नोट कर लेना आप, सेक्शन 41A, ये सत्येंद्र कुमार अंतिल वाला सुप्रीम कोर्ट में वर्सेस CBI मामला है, इसमें ये कहा गया है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से, कहने की बात है ना कि इस चीज को ये बाउंड है सब, और इसका इंप्लीमेंट किया जाए, इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि जो भी आदमी है अगर इसके ऊपर वो नहीं होता है तो उसको जमानत का भी अधिकार है, नहीं तो इसमें ये लिख रखा है जुडिशियल जो ऑफिसर है उसके ऊपर भी कंटेम्प्ट लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट का मेरा नहीं है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आप डेट देख सकते हो, 9 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट ने एक
9 फरवरी है ध्यान करना, ये अभी 9 फरवरी है जो अपनी गई थी उसी दिन की बात है, ये शायद 9 ही फरवरी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग सत्येंद्र कुमार अंतिम सीबीआर विद द 2 वीक फॉलोइंग विच वार्ड रिप्रेजेंटेटिव होम सेक्रेटरी वुड द रिक्वायर्ड अपियर पर्सनली या वर्चुअल मोड ऑल्सो सीबीआई फाइल द कंप्लायंट रिपोर्ट विद इन द सेट टाइम पीरियड। ये 9 तारीख को क्या कहा पता, इसी मामले को लेके सेक्शन 41A को लेके सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के जो होम सेक्रेटरी हैं हर स्टेट के, उनको कहा है कि इसका इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा और हमें बताएं कि इनकी कितनी अवमाननाएं हुई हैं। हजारों अवमाननाएं हुई हैं हरियाणा, हरियाणा में हरियाणा के गृह सचिव को नोटिस आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके बावजूद कंटिन्यू इसका इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्या कह रहा हूं, रद्दी का कागज माना जा रहा है, रद्दी का कागज, क्योंकि इंप्लीमेंट तो हो ही नहीं रहा। जब इंप्लीमेंट नहीं हो रहा सेक्शन 41A का, तो ये तो अंधाधुंध चल रहा सारा का सारा सिस्टम। तो ये आपको मैंने 3 चीजें दे दी तो लेटेस्ट है। फिर ये है हाई कोर्ट अपने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का, इसमें ये कह रहा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नेश कुमार गाइडेंस मस्ट बी फॉलो अरेस्टिंग पर्सन क्राइम क्राइम सेंटेंस 7 ईयर लेस। अपना हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कह रहा है अक्स साल 7 साल से नीचे के जो मामले हैं, अरनेश कुमार का जो मामला है उसका सख्त तरीके से इंप्लीमेंट हो। तो ये जो पुलिस वाले FIR करते हैं ये भी सुनो इस चीज ने, ये क्यों मतलब हरियाणा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसान ने कुछ मानो हो ना मानो हो, इस देश में मतलब कोई सिस्टम है कि नहीं है। फिर ये है केरला हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट लेकर हूं, केरला हाई कोर्ट में तो आप देखो अरनेश कुमार के फैसले के विरुद्ध गिरफ्तारी पर आरोपी को मजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांग लिया था। सोच के देखो आप, इस ये इतना सख्त रूप से इसकी मतलब इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। एक जज ने निचली कोर्ट के ने इसी धाराओं में 7 साल से नीचे का मामला था रिमांड में भेज दिया था, जैसे जुडिशियल कस्टडी में इस तरह भेज रहे हैं। तो इसमें आप देख लो मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांग रखा है, कोई छोटा मामला नहीं है, और ये लोगों को पता नहीं है और कोई बताना नहीं चाहता। फिर ये है बिहार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आस्क बिहार गवर्नमेंट कंसीडर फ्रेमिंग गाइडलाइन फॉर द अरेस्ट अकेंथूज अडॉप्ट बाय द दिल्ली पुलिस। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूं ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला, वो भी यही कह रहा है कि अरनेश कुमार का जो मामला है इसको लागू करा जाए। फिर यो है भाई बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला, ये इतने मामले हैं अलग अलग हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जो मैंने आपको बताया हरियाणा सरकार को गृह सचिव को ये नोटिस भेज रखा है। तो जिस तरह से FIR करके और जिस तरह अरेस्टिंग डाली जा रही है वो बिल्कुल गलत हैं। और अब बात यह आई कि भाई उस पर हम भी उस दिन आए थे तो झगड़ा हुआ, बोला दो पुलिस वालों का झगड़ा हुआ है, दो पुलिस वालों वो आरोप लगा रहा है कि 500-500 रुपए ले है, वो नु कहे 500-500 रुपए ले है। मेरी बात को समझना, लोगों से अगर पुलिस वालों की बात, मैं बिल्कुल सामाजिक मन मेरे को कोई किसी की मैं साइड नहीं ले रहा, मैं आपको जो जेन्युइन चीज है वो बात बता रहा हूं। अब हमें ये बात 500-500 रुपए लेने वाला जो मामला है, अभी 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन अमित शाह जी आ रहे हैं, मधु बना रहे हैं, बता रहे हैं हरियाणा पुलिस का बैज बदलेंगे। तो बैज की कह रहे मेरे भाई, वो वैलेंटाइन डे था ना, वो प्यार पूर्व का दिन हो ना, तो कुछ तो प्यार दिखावा हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा पुलिस वाले की डिमांड है, अब जो उनकी वेतन की बढ़ोतरी की बात है, पंजाब के समान वेतन की बात है, अमित शाह आवे, उस दिन अमित शाह गृह मंत्री है मोटा भाई, कम से कम कुछ तो गिफ्ट देगा जाओ है। तो 500-500 रुपये लेने की जरूरत ना पड़े पुलिस वाला ने, भाई पुलिस वाले लोगों से ले हैं, लोग उन नगाड़ी दे हैं, आपसी झगड़े हुए हैं।
तो अमित शाह जी जब आ रहे हैं तो हम ये भी कहेंगे कि ये झगड़े आप पर नहीं होंगे, जो पुलिस के आपसी झगड़े हैं, लोगा दो 100 रुपये ले हैं, 500 रुपये ले हैं, 1000 रुपये ले हैं, तो उनकी पूरी तनख्वाह बढ़ा दे भाई, अमित शाह जी आ रहे हैं, 30,000 वैकेंसी खाली है एक पुलिस वाले के ऊपर, दो दो आदमी का लोड है, तो उसने खत्म करके जावे, एक वाला बैच बदलेंगे हम, ये बैच बैच बदलेंगे रे, तनख्वाह बदलो, उनका काम बदलो, उनकी ड्यूटी होती ना, उनके भी घर पे गड़न लाग रहा है, उन्हें छुट्टी मिलती ना, फिर ये रोड़े हुए हैं। और फिर एक आदमी अगर ईमानदारी से अगर काम कर रहा है तो उसको इतनी समस्याएं सरकार को, और कितना फास्ट एक्शन लिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई क्रिमिनल नहीं था। और जिस तरह से अब उसके ऊपर ये डराने धमाने, उसके बाद अगर मान लो प्रेस वाले हैं यार, वो तो कवर करने जाएंगे, अब प्रेस वालों के ऊपर इस तरह धड़ाधड़ फायर करने का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब है नहीं। और मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, अनिल विज साहब, अपने मोटा भाई गृह मंत्री आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। अब पत्रकारों पर FIR कर रहे हो, पुलिस वाले के ऊपर ही आप FIR कर रहे हो, आप CRPC का जो सेक्शन 41A है उसको नहीं मान रहे हो, तो इससे तो और आगे क्या होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आपके होम सेक्रेटरी को नोटिस हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस अरनेश कुमार वाले मामले को वो किया जाए, तो अमित शाह जी वैलेंटाइन डे वाले दिन आ रहे हैं, तो कुछ प्यार प्रेम हरियाणा पुलिस वालों को लिए दिखावे, वैकेंसी खाली पड़े उन्हें भरते हैं, उनकी तनख्वाह की डिमांड है उन्हें करते हैं, और ये FIR करने की कोई जरूरत है नहीं, FIR वो रद्द करे, बाकी आप लोगों ने भी डरने की जरूरत है नहीं, कर दी तो कर दी, कोई उसमें भी टेंशन लेने की, लेकिन आप लोगों को जो मैंने अब ये बताया है अरनेश कुमार वाला मामला, ये आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखना, ये हर आदमी के लिए जानकारी होना ये जरूरी है, ये किसी को पता है नहीं।